वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हेल्थ है, सपोज इट्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी. आपको एग्जाम देने के लिए फिजिकली भी तो हेल्दी होना पड़ेगा ना. आप बीमार हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे ठीक से, तो आपको फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है. लेकिन आप कितने दिन पहले अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरा साल नहीं ध्यान रखा और आपने 10 दिन पहले शुरू किया. नहीं है, दिस इज हेल्थ. ये एक हेल्थ है जिसका हमने रोज ध्यान रखना है. डजंट मैटर हम 10th में है, 12th में है, कोई भी ईयर में है, कितने भी एज के हैं. आप ये भी नहीं कर सकते कि सडनली 4th-5th स्टैंडर्ड से somebody is very used to anxiety, anxiety, anxiety. Suddenly वो 10th में आए, अब आपने उनको कहना शुरू किया रिलैक्स रिलैक्स, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगा. ये नहीं हो सकता. यू नो, हम सब अपने आसपास बच्चों को कहते हैं रिलैक्स रिलैक्स, डोंट गेट स्ट्रेस्ड. नोबडी वॉन्ट्स टू गेट स्ट्रेस्ड, बट वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे टेंशन हो रही है तो मैं क्या करूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो इट्स लाइक सेइंग मैं फिजिकली वीक हूँ तो मैं क्या करूँ, जस्ट बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी टू सेज हेल्दी हो जाओ हो जाओ. हम थोड़ी हो सकते हैं. तो ये इमोशनल हेल्थ है. इसका ध्यान आप आज से रखना शुरू कीजिए, चाहे आप कौन सी भी क्लास में हैं स्कूल में, और चाहे आपके एग्जाम पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं, इट डजेंट मैटर. क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, आपकी इमोशनल हेल्थ हर रोज के लिए चाहिए. तो मेडिटेशन मतलब हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालना. मेडिटेशन में जो आपको कहा ना किसी ने कि सिर्फ 2 मिनट ही करो, चाहे 5 मिनट ही करो, तो 2 मिनट भी करो मतलब इस माइंड को 2 मिनट रेस्ट तो दो. करेक्ट. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, यू नो, सो लेट्स गो बैक 30 years, 25, इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो आई डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, आई डिड नॉट हैव अ फोन, लैंडलाइन एक हुआ करता था. अब Actually, technology is very beneficial. It is. It's very beneficial. तो उसने हमारी जीवन को बहुत easy कर दिया है. लेकिन उसे कैसे use करना है? Exactly. कितना use करना है? और उसमें से क्या consume करना है? ये हमारी state of mind पे असर डालता है. Emotional health के लिए हमें ध्यान रखना है emotional diet. जैसे physical health के लिए अगर हम किसी के पास जाएं, doctor के पास, वो कहेंगे आप रोज खाते क्या हो, पहले आप मुझे अपनी diet बताओ. फिर वो हमारी diet में थोड़ा सा change करेंगे कि आप ये diet change करो, exercise करो, आपकी health ठीक हो जाएगी. तो emotional health, emotional diet. And emotional diet किससे बनती है? What we watch, read, listen. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तीन चीजें अंदर जा रही हैं. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अंदर जा रहा है, हमारी थॉट्स उससे बनती है. सो जब हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते थे बहुत कम था. फोन है नहीं ना हाथ में, तो जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम है. इंटरनेट है नहीं, तो हम गूगल करके कुछ भी ढूंढ नहीं सकते हैं. वी कांट जस्ट सिट सर्फिंग सर्फिंग कंज्यूमिंग डेटा, नहीं कर रहे थे. तो ऑटोमेटिकली जब हम कंज्यूम कम कर रहे थे, हम कम सोच रहे थे. सो इमोशनल हेल्थ वाज बेटर. ओके, आज मेजोरिटी लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, एवरीबडी, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग. कहते ज्यादा थॉट्स चलती हैं. ये ज्यादा थॉट्स इज अ रिजल्ट ऑफ ज्यादा कंजम्पशन ऑफ डेटा. ओके, ज्यादा सुना, पढ़ा, देखा ना, बहुत ज्यादा सुना, तो टू मच थॉट. सो वी हैव टू टेक केयर कि थॉट का रॉ मटेरियल है व्हाट वी वॉच रीड लिसन. तो क्या देख सुन पढ़ रहे हैं और कितना देख सुन पढ़ रहे हैं? तो हमारे पास जब आप और मैं स्कूल में थे, फिर टीवी आया, फिर उसके बाद 24/7 टीवी आया. यू सी हाउ एवरी नेक्स्ट 5 years वेंट थ्रू अ बिग चेंज. पहले थोड़ा सा आधा घंटा आ रहा है न्यूज, आधा घंटा कोई सीरियल आ रहा है, एंड वो न्यूज भी आराम आराम से, प्यार प्यार से सुनाई जा रही है, है ना, हम देख रहे हैं. ओके, फिर आया 24/7 मीडिया. जब 24/7 मीडिया आया, अगेन वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट. तो हम कभी भी ऑन करें, वी हैड द न्यूज. तो हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत न्यूज, सुबह सुबह दिन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द डे, व्हेन द माइंड हैज जस्ट रेस्टेड, इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, एकदम क्लीन है. आप इस पे जो डालोगे ये अब्सॉर्ब कर लेगा. अर्ली इन द मॉर्निंग अगर किसी के घर में न्यूज चल रही है, यू नो, सो दिस इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द पेरेंट्स. पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है. okay. कि आपके घर की एनर्जी फील्ड क्या है. क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं. वो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? वेरी काम एंड सूदिंग. आज मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट मतलब यहाँ स्टेबल नहीं है.
बिकॉज ये ऐसे 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 हिलता जा रहा है. एनर्जी क्या है घर के? सुबह सुबह पहले घर में, किसी के घर में कोई प्रेयर होती थी, किसी की पूजा हो रही थी, किसी का मंत्र हो जाप हो रहा था, हाई एनर्जी वर्ड्स, हाई एनर्जी वर्ड्स इन द हाउस, नॉट डन बाय द चाइल्ड बट डन बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, बाय द पेरेंट्स. तो वो जब घर के बड़े भी हाई एनर्जी वर्ड्स बोलते थे ना सुबह सुबह, तो घर की एनर्जी हाई हो जाती थी. अब सुबह सुबह आपने न्यूज चला दी, एक हाथ में आपके न्यूज़पेपर है, दूसरे हाथ में आपके फोन है, ऑल द वर्ड्स दैट यू आर रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, मोस्ट ऑफ देम आर लो एनर्जी वर्ड्स. क्योंकि आप वो सुन पर देख रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है इस टाइम. अब अगर दुनिया में वायलेंस हो रही है, आप वो सुन रहे हैं सुबह सुबह. कहीं कुछ किसी ने किसी के अगेंस्ट बोल दिया, सुबह सुबह वो हमारे घर में चल रहा है. सो द हाउस वाइब्रेट्स एट लो एनर्जी. अब इस लो एनर्जी में बच्चे ने बैठ के पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगी? करेक्ट, अपने आप नीचे खींच देगा उसको वो मन. तो वी हैव टू टेक केयर, एवरी चाइल्ड हैज टू टेक केयर, बट एक्चुअली एवरी पेरेंट ऑल्सो हैज टू टेक केयर, राइट, वॉट वी वॉच, रीड, लिसन. फिर टीवी से हट के हम फोन पे आए. अब जब से हमारे पास कॉन्टेंट फोन पे आ गया, एवरी क्लिक वी आर कंज्यूमिंग समथिंग, राइट, वी आर कंज्यूमिंग. तो अब अगर हमें पीसफुल माइंड चाहिए, पावरफुल माइंड चाहिए, then we should not be consuming anything, which is the opposite. Correct. अगर आप stress का content consume कर रहे हैं, anger का content consume कर रहे हैं, jealousy का content consume कर रहे हैं, एक दूसरे की कोई criticize कर रहा है, हम वो सुन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ consume करने से, अभी हम खुद नहीं create कर रहे, सिर्फ consume कर रहे हैं, right. लेकिन ये consume करने से हमारी ये जो inner battery है, decreases. Yeah, because that's my diet, na. वो मेरा खाना है जो I'm consuming. अब जब मेरी ये battery कम हुई, फिर जब मेरी life में कोई बात आएगी, like today for a child, it's their exam. For them, exam is their biggest pressure. But मेरी battery कम है, तो फिर मेरे लिए वो exam एक बहुत बड़ा. अब ऐसे थोड़ी है, पहले बच्चे exam नहीं देते थे क्या? Yeah. हमने exam नहीं दिए. दिए. हाँ. अब बच्चे आजकल कहते हैं, आजकल competition बहुत ज़्यादा है. Not true. Actually, पहले competition ज्यादा था, क्योंकि पहले options कम थे. आज options कितने हैं? अगर आज किसी को medical करना है, किसी को engineering करना है, किसी को CA, कोई भी field करनी है, you have so many colleges for everything. When we were there, one college, two college in a city. मतलब अगर आपको उसमें मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो you're not going into that course. Finished. Today, there are so many colleges. तो options तो बहुत बढ़ गए ना. Number of courses बढ़ गए. Number of variety कि आप ये नहीं ये. तब तो हमें सिर्फ पूछते थे, आप क्या बनेंगे? आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे? मतलब तीन चार options and दो तीन colleges. Literally it was that much. तीन चार आपके पास options थे career के and दो तीन आपके पास colleges थे. So actually pressure was higher. Pressure was higher. लेकिन ये बैटरी थोड़ी सी बेटर थी आज से, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं था. हम कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे थे स्कूल कॉलेज में, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे थे गलत. ओके, यू नो, सो इट्स दैट वी वर नॉट ईटिंग एनीथिंग हेल्दी, बट वी वर नॉट ईटिंग एनीथिंग टॉक्सिक. सो वी वर गुड ऑन एन एवरेज हेल्थ, एवरेज, बेटर देन व्हाट्स गोइंग ऑन. व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ इज बिकॉज टॉक्सिक व्हाट वी आर कंज्यूमिंग. सो स्ट्रेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. ओके, दिस इज इन फिजिक्स. ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो प्रेशर बाहर है, लाइक फॉर अ चाइल्ड टुडे प्रेशर एग्जाम है, टुमारो प्रेशर रिजल्ट है. फॉर अ पर्सन एट वर्क प्रेशर उसका टारगेट है. सिंपल, किसी के लिए प्रेशर हो सकता है ट्रैफिक ऑन द रोड, वो भी एक प्रेशर बन जाता है लोगों के लिए, बट वो प्रेशर है. लेकिन स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर. सो अ चाइल्ड कैन नॉट से एग्जाम है तो मुझे स्ट्रेस होगा ही. नो, स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. रेजिलियंस मींस पावर टू कोप विद दैट प्रेशर. आंतरिक शक्ति, आपकी इनर पावर क्या है. अब हमने डिनोमिनेटर को निग्लेक्ट कर दिया और हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर. तो जो जो जीवन में प्रेशर्स आए, हमने कहा स्ट्रेस तो होना ही है, एंड हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर किया. डिनोमिनेटर डे बाय डे घटता गया, स्ट्रेस लेवल डे बाय डे बढ़ता गया.
अब प्रेशर तो होना ही है, एग्जाम तो होना ही है, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर पे वर्क करें शुरू से, तो आपका प्रेशर चाहे कितना भी हो, अगर आपका डिनोमिनेटर हाई होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा. तो वी नीड टू वर्क ऑन एनहांसिंग दैट इनर पावर. एंड उसके लिए सिंपल चीज है फॉर एवरी स्टूडेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ व्हाट यू कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. एंड इट्स फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर द चिल्ड्रन, दिस इज फॉर एवरीबडी. ओम शांति. नए वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें.